मुरादाबाद में महिला ने एसएसपी को दिए पत्र में पुलिस पर आरोप लगाया कि उनका बेटा शोएब खान मानसिक रूप से ग्रसित है और पागल जैसे हालात हैं। 20 वर्षीय बेटा घर से बाहर चला गया। परिवार वालों ने काफ़ी तलाशा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। बाद में जब पता चला कि ठाकुर द्वारा पुलिस ने मानसिक रूप से ग्रस्त युवक को जेल भेज दिया है तो महिला ने ठाकुर द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके बेटे को निर्दोष और मानसिक रोगी को झूठा फंसाकर मारपीट कर जेल भेजा है। पीड़ित महिला ने मुरादाबाद एसएसपी से निष्पक्ष जाँच कर की न्याय की गुहार लगाई है। ठीक हो गया, जहाँ चले चलिए फिर। होटल से जो है इन्होंने गुस्से में आके उसे उठा के यहाँ पर भेज दिया थाने से। तो पुलिस वाले नहीं क्या कर रहे, जहाँ चली थी उसकी क्या बोला? उसका तो 2,500 का इलाज चल रहा है यार। मुरादाबाद क्या कहना चाह रही हैं? हमारा लड़का काम ना बताइए। मम्मी है ना, चुप हो यार। एक मिनट, पहले पुलिस वालों ने गाली वाली की दी थी, लगाया था देखते वहीं पे अस्पताल में थाने में। उसके बाद में उसे अंदर ले आया था, मारा पीटा को, तो उसे भगा दिया। फिर भी वहाँ पर शिकायत दर्ज करी आई, ठीक एफ आई आर करवाने के लिए गया था। मतलब मेरी शिकायत भी नहीं है, चेक कर में एक महीने पहले की बात है। ठीक, फिर उसके बाद में ये दिन चला गया, फिर चला गया, फिर उसके बाद में उसने घर में मारा पीटी। दिमाग ऐसी हो रहा था, मतलब उसके दिमाग से परेशान था बहुत। और उसके बाद में फिर ये थाने चला गया। हमें नहीं पता था ये थाने चला गया, हम इसे इधर उधर देखते रहे। उसके बाद वहाँ पर इनने थोड़ी 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 उसके बाद उन्होंने चलान बना के हम उसे बिना पूछे और बुरा दाग दे दिए। आपने इसको लेकर किसी अधिकारी से शिकायत की? एसएसपी से शिकायत करी थी। तो क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? थाना सिविल लाइन में जांच भेज दी। थाना सिविल लाइन में जांच भेज दी है बताया उन्होंने। अब आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि वो जांच, उसकी जांच कराई जाए, उसकी जांच कराया जाए, उसे छुड़वाया जाए उसे। वहाँ पे भी वो बहुत परेशान है, उनने कल वहाँ पे भी शीशे तोड़ दिए और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया वहाँ पे। उसके साथ जो पुलिस ने मारपीट की, कहाँ की पुलिस थी जो उसे जेल भेजा? थाना से वहाँ ठाकुर।